good morning. Today we are in class on subject English. English grammar. हम आज डील करेंगे English grammar में. English grammar के अंदर हमने English शब्द का learn कर लिया था, read कर लिया था और आज हम start करेंगे unit six से हम start करेंगे. हाँ, तो इस chapter का name है unit six का adverb and kinds of adverb. Adverb और adverb. Kinds of adverb. Adverb. Then text होते हैं. वैसे ही मैं आज हम read करेंगे इस chapter में read करेंगे. Yes. Kesin absurd. Time numbers ki bari mi se bata gaya. Trees the boy struck.
How much? How much? Peki kese? Zaten adil şu anda söylemişlerden degre geldi. He was very tired. Bahut adil thak gaya. Yani bahut adil. Kitna adil thak gaya question aya. Jisme kya aya? Is it to how much wala jo question aa raha tha? Usme kaun se wala hai? Wo hoga adverb of degree. Kya aya? Jaise he was quite worn out. ये भी बात का मतलब है कि फेस इज वेरी ब्यूटीफुल इसका फेस बहुत सुंदर है तो इसको बोला क्वेश्चन हाउ मच इज योर फेवरेट फेस फेस इज ब्यूटीफुल ठीक है फिर नेक्स्ट है इंटू वेरी एल्बम्स इसके अंदर आज आंसर का क्वेश्चन आता है कि व्हेन वेयर हाउ व्हाई ये जो सब क्वेश्चन वाले जो आते हैं ये किसमें आते हैं इंटू वेरी व्हेन वेयर When, where, how, why? ये सिर्फ़ सिर्फ़ जो क्वेश्चन हम आज कर देते हैं वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस. When did he come? क्वेश्चन मार्क आ गया तो कौन सा सेंटेंस आ गया उसमें इंटरोगेटिव एडवर्ब. ठीक है तो हम फर्स्ट लेते हैं इसके बारे में फर्स्ट हमारे मीट करते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है यस सीधा शी रन फास्ट वह तेज दौड़ता है तो अगर क्वेश्चन का हाउ कैसे दौड़ता है शी बॉइज फ्रॉम वेर जो है वह क्या कर रहे हैं शी बॉइज फ्रॉम वेर वे वॉक चला रहे हैं शी शोल्डर फॉर ग्रेवी जो शोल्डर है वह फॉर युद्ध कर रहे हैं उसे ग्रेवी बाद से The adverb fast, well, rarely, show. ये क्या show कर रहा है? An action is done. मतलब कि action को show कर रहा है कि ये action is done. क्योंकि action कैसे? उन्होंने कहा था इस question क्या है? Of. Such adverb are called adverb of manners. ये होते हैं क्या कहलाते हैं? जो बोल adverb of manner कहते हैं. कि fast, well, rarely The doctor is coming immediately.
की वजह है उसके बारे में हमें बताया तो आर कौन एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या कहलाते हैं एक सेंटेंस आए क्या कहलाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री अब इसके अंदर आंसर का क्वेश्चन बनता है हाउ मच जब वेरी क्विक और मच क्लियरली किसी भी बार आ रहे हैं ऐसे जो एडवर्ब आ रहे हैं जिनसे हाउ मच या बहुत ऐसे किसी टीचर के बारे में हमें पता चलता है तो वो क्या कहलाते हैं कार बॉल एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं लास्ट पॉइंट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब ये जो सेंटेंस है ये पहले हम इसको रीड करेंगे व्हेन डिड ही कम कब आया व्हेन डिड ही गो वह कहां जाता है हाउ आर यू टुडे तुम आज कैसे हो व्हाई आर यू लेट तुम आज लेट क्यों हो ये जो आपको दिख रहे हैं व्हेन वेयर हाउ व्हाई इन दिस अबाउट सेंटेंस का वर्ब Yes, exercise start exercise when here are some adverbs of manner. Use each when to complete of the sentence below. ये जो आपको जब example दिए सभी manner adverb के हैं तो हमें ये इसको यहाँ से लेके यहाँ fill करना है. The hungry beggar ate the food. क्या आएगा? Greedily. क्या आएगा? Greedily. Next, I had to shout to attract her attention loudly. क्या फील करेंगे हम इसमें loudly. Third question. Tony climbed the trees as a monkey. जो टॉनी है वह ट्रीज पे मंकी की जैसे चढ़ जाता है यानी कि क्यूकली मंकी जैसे क्यूकली चढ़ता है ना वैसे टॉनी चढ़ जाता है तो यहाँ फील करेंगे हम क्यूकली. Fourth. There were no clouds and the sun shone. क्या लिखेंगे कि ब्राइटली. नेक्स्ट ऑल द डे द चिल्ड्रंस प्लेड क्या आएगा अब इन द पार्क तो यहाँ पे आएगा मेरेली. क्या लिखेंगे मेरेली. नेक्स्ट एक्सरसाइज टू अंडरलाइन द एडवर्ब इन द फ्लोइंग सेंटेंस. ये सेंटेंस है इनमें जो एडवर्ब है उसको हमें अंडरलाइन करना है एंड पुट ए टिक इन द करेक्ट कॉलम टू शो वॉट काइंड ऑफ एडवर्ब ईच इज और जो ये कॉलम दिए हुए हैं इनमें से जो एडवर्ब है वो वाले उस पर हमें टिक लगाना है कि मैनर है टाइम है या प्लस एडवर्ब है कौन सा एडवर्ब है. सर्कल द वर्ब्स विथ विच द एडवर्ब इज कनेक्टेड और जो एडवर्ब से कनेक्टर है उस वर्ब है उसको हमें सर्कल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए वी वेंट टू द कंसर्ट यस्टरडे तो आप एग्जांपल देखिए जो वेंट है वो वर्ब है और ये कंसर्ट एडवर्ब है यस्टरडे इसको हमने क्या करा हमने अंडरलाइन कर दिया और ये कौन सा एडवर्ब है मैनर है टाइम है प्लस है तो कौन सा है टाइम तो टाइम पे टिक लगा दिया. माय फादर सैट कंफर्टेबली ऑन द सोफा एंड रीड द पेपर तो ये कौन सी है इसमें एडवर्ब कौन सी है सैट और वर्ब से किससे आ रही है कंफर्टेबली ऑन द सोफा एंड रीड द पेपर तो ये कौन सा आएगा मैनर एडवर्ब कौन सा है मैनर एडवर्ब. थर्ड क्वेश्चन यू मस्ट गो आउट एंड सी हु हैज रंग द बेल तो गो तो क्या हो गई हमारी एडवर्ब एंड
आउट क्या हो गया हमारा इसका वेब, तो उसको कनेक्ट कर रहे हैं ना तो आउट हो, तो ये उसकी अंडरलाइन करना है अपने को। और जो कौन सा है ये एडवर्ब, उसके हम टिक लगाएंगे, ये है प्लेस, प्लेस को कर रहा है आइडेंटिफाइड। यस, फोर्थ क्वेश्चन, द डॉग फॉलोज हिज मास्टर फेथफुली, तो फेथफुली में अंडरलाइन करेंगे, और जो एडवर्ब है वो फॉलोज है, और कौन सी है ये मैनर एडवर्ब, तो मैनर एडवर्ब पे टिक लगाएंगे। गो एंड ब्रिंग द चेयर हियर, जाओ लेके आओ चेयर यहाँ, तो क्या होगा, गो पे सर्कल करेंगे, ब्रिंग को अंडरलाइन, गो और ब्रिंग को सर्कल करेंगे और हियर को अंडरलाइन करेंगे, और ये कौन सा एडवर्ब है, प्लस एडवर्ब प्लस। सिक्स क्वेश्चन, द डॉक्टर इज कमिंग इमिडिएटली, तो कमिंग ये तो हो गया हमारा एडवर्ब, और किसको कनेक्ट करा है, इमिडिएटली को अंडरलाइन करेंगे, और कौन सा है ये एडवर्ब, टाइम, टाइम पे टिक लगाएंगे। सेवन क्वेश्चन, ऑल द बेडरूम्स आर अपसेट्स, तो आर को हम सर्कल करेंगे, अपसेट्स को हम अंडरलाइन करेंगे, और कौन सा ये पैलेस, प्लेस, प्लेस वाला एडवर्ब। हाउ ब्यूटिफुली शी इज ड्रेसेड, तो ब्यूटिफुली को अंडरलाइन और ड्रेसेड को सर्कल, और कौन सा ये एडवर्ब है, मैनर। शी मेट विथ ए एक्सीडेंट देयर, तो मेट को करेंगे सर्कल, देयर को करेंगे अंडरलाइन, और कौन सा आएगा, प्लेस, प्लेस पे करेंगे टिक लगाएंगे। फिर लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड वुमेन स्पेंट हर मनी फ्लूशली, कौन सा आएगा, मैनर, फ्लूशली आ गया, तो यहाँ पे हम मैनर पे टिक लगाएंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब है थर्ड वाली एक्सरसाइज, रीड द सेंटेंस, लेबल द अंडरलाइन एडवर्ब्स विच टेल हाउ ऑफ्टन, हाउ एंड दोज दैट टेल हाउ लॉन्ग विथ एच एल, जो हाउ ऑफ्टन पे तो एच ओ लिखेंगे, और जो जो हमें बता रहा है कि हाउ लॉन्ग के वो हम वहां लिखेंगे एच एल। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, और जो फर्स्ट हमें एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज ऑबे स्कूल रूल्स, तो जो ऑलवेज पे क्या आएंगे, इसमें क्या बता रहे हैं, हाउ ऑफ्टन, तो इसमें एच ओ लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स ब्रेक द रूल्स डेली एंड डू नॉट लिसन टू एनीवन, तो ये क्या बता रहा है, हाउ लॉन्ग, इसके बाद एच, सॉरी ये क्या बता रहा है, हाउ ऑफ्टन, तो यहाँ पे भी एच ओ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे फ्रीक्वेंटली कम लेट टू स्कूल एंड आर ऑफ्टन मिस्ड फॉर दिस, तो फ्रीक्वेंटली के क्या लाएगा, अक्सर ऐसे करता है वह स्कूल आता है, लेट आता है, तो उसको क्या होता है, पनिश मिलता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एच ओ। द प्रिंसिपल रिमाइंड्स एज वीकली दैट वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, तो ये भी यहाँ पे भी लिखेंगे एच ओ। बट द बॉयज डू नॉट पे अटेंशन टू वॉट है से इवन फ्रॉम 10 seconds, तो यहाँ लिखेंगे 10 seconds को अंडरलाइन करेंगे और क्या लिखेंगे, एच एल, हाउ लॉन्ग। अब लिखेंगे हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, लेट अस टेस्ट वेदर यू कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन एडवर्ब और एन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव और जो एडवर्ब है उसमें भी डिफरेंस करना है। द फर्स्ट टू आर डन फॉर यू, जो टू क्वेश्चन है वह हमें बताए एग्जाम्पल के लिए कि ऐसे करना है। What is the that little girl? So it is an adjective. It tells more about the noun girl. ये जो क्या है, क्या है? What who is the little girl? ये क्या बोला कि एक छोटी लड़की को, वह छोटी लड़की कौन है? तो it is an adjective. ये क्या है? एक adjective है. Question number 2. He spoke little. इट इज एन एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है। इट टेल्स यू मोर अबाउट द वर्ब स्पॉक, क्या है स्पॉक, वर्ब क्या है स्पॉक। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, द बॉयज ऑफ आवर स्कूल कैन रन फास्ट, तो फास्ट क्या है, एडवर्ब, और ही टेल्स मोर अबाउट रन, ये किसके बारे में बता रहा है, रन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, रोशन इज ए फास्ट रनर,
तो ये क्या है, फर्स्ट का है या क्या आएगा यहाँ पे, एग्जेक्टिव. यहाँ तो क्या है एडवर्ब, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है एग्जेक्टिव. ही टेल्स यू मोर अबाउट रनर, वह उसकी दौड़ने की विशेषता बता रहा है. अनुरुष इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, तो ओनली क्या होगा एग्जेक्टिव और इट टेल्स मोर अबाउट क्या बता रही है अनुरुष के बारे में. डू नॉट गेट एंग्री, आई ओनली वॉन्टेड टू हेल्प यू, तो ये क्या है एडवर्ब. इट इज ओनली एडवर्ब, इट टेल्स यू मोर अबाउट वॉन्टेड. इट इज ए गुड फॉर हेल्थ टू जॉग डेली, तो क्या आएगा इसमें एडवर्ब. डेली क्या है एडवर्ब और किसके बारे में बता रही है जॉग. There are now Delhi flights from Delhi to Singapore. So it is in a Delhi ka adjective and he tells you more about flights. They buy magazines which appear weekly. So it is an adverb. It tells more about appears. Outlook is a weekly magazine. तो वीकली का क्या क्या आएगा इसका एग्जेक्टिव है. ही टेल्स, इट टेल्स यू आर मोर अबाउट आउटलुक. ओके, तो ये हमारी जो एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, ये सारा वर्क आप अपनी नोटबुक में कर लेना. थैंक यू, हमारा एडवर्ब का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है.